हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के बारे में और सीखेंगे उसका बेसिक यूज़ साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होता है उसका डोज वगैरह क्या होता है और उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन्स भी हम जानेंगे और कौन से मेडिकल कंडीशन के अंदर उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए तो ये सभी के बारे में जानेंगे डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में अबाउट द डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड तो यहाँ पे जो टाइटल स्लाइड के अंदर आप जो देख रहे हैं तो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो मेडिसिन है उसके टैबलेट जो अवेलेबल होते हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये पैरासीटामॉल भी रहता है तो पैरासिटामॉल के बारे में तो आप जानते हैं कि वो एन एंड जैसे एंटीपायरेटिक है बट डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका मेन रोल क्या है ये मेडिसिन के अंदर कि यहाँ पे आपने ये पॉपुलर ब्रांड नेम्स भी सुने होंगे कि ये साइक्लोपाम करके टैबलेट्स आते हैं कि उसके ऊपर भी लिखा है कि एंटिसमाजोडिक एंड एनालिसिक फिर यहाँ पे कॉलीमैक्स टैबलेट्स है उस पर भी लिखा है कि ट्रस्टेड एंटीस्पाजमोडिक और फिर यहाँ पे डायसाइक्लो स्पास करके भी ये टैबलेट्स है कि जो बहुत सारे ऐसे अलग अलग ब्रांड्स आप देख सकते हैं कि जिनके अंदर कॉम्बिनेशन में ये डाइसाइक्लोमिन होता है पैरासिटामल वगैरह के साथ तो उसका मेन बेसिक यूज़ क्या है वो हम जानेंगे डिटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर फा। ऑक्स थैंक यू फॉर बी इन टू लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ये वाले हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए वीडियो लेक्चर या फिर स्टडी मटेरियल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दे फार्मर ऑक्स की जो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर पाओगे एंड एप्पल आईफोन यूजर वाले स्टूडेंट्स ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं डाईसाइक्लोबिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन के बारे में तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एंटी स्पाजमोडिक ये वाला वर्ड खास आपको समझना है एंटी स्पाजमोडिक तो एंटी स्पाजमोडिक का मतलब ऐसा होता है कि ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो स्पाज़म्स आते हैं स्पेशली जो इंसिडेंस ऑफ मसल्स प्लाज्म की जो यहाँ पे लिखा हो है कि आपको मसल्स स्पाजम का जो प्रॉब्लम होता है और इसके कारण क्या होता है कि जो पेन सेंसेशंस वगैरह होता है क्रैम्स वगैरह होते हैं आपके इंटेस्टाइनस के आसपास या फिर जो स्टमक का पोर्शन है एबडोमिन का जो पोर्शन है इंटेस्टाइन के जो वॉल्स वगैरह होते हैं कि जिसको हम बाउल कहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्मूथ मसल जो होते हैं उनके अंदर जो स्पाज़म्स आते हैं उनके कारण आपको क्या होता है कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है काफ़ी पेन होता है दर्द होता है और उसको रिलीव करने के लिए और साथ उसको प्रिवेंट करने के लिए और वो दर्द को कम करने के लिए ये मेडिकेशंस जो है वो यूज़ किया जाता है तो सिंपली समझे तो ये जो स्पाजम्स होते हैं वो स्पाज़म्स को कम करने के लिए ये ये मेडिकेशंस जो है वो दिए जाते हैं इसी के कारण उसको एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन जो है वो कहा जाता है तो डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का डायसाइक्लोवेरिन भी कहा जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज रहेगा कि समझो कि आप डाईसाइक्लोवेरियन कई बार कोई जगह पर सुनते हैं तो उसका मतलब सेम ही है कि वो डाईसाइक्लोमिन ही है उसका ही दूसरा नाम है डायसाइक्लोवे एंड इट इज यूज टू ट्रीट द स्पाजम कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी समझाया कि यह स्पाजम्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है और ये स्पाजम समझो कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर हो रहे हैं कि इरीटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर इंफ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम वगैरह के जो कंडीशन कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन कहते हैं क्रोहन्स डिजीज के कंडीशन होते हैं कि जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है हमारे इंटेस्टाइनस वगैरह के अंदर वहाँ पर इरीटेशन होता है सूजन वगैरह हो जाती है और जो पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसी तरह से सेम पेन जो है वो पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के पहले भी होता है तो उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है ये डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स फिल आल्सो यूज्ड टू तो ट्रीट द स्टमक पेन क्या आपको स्टमक के अंदर पेन हो रहा है तो भी कि जो स्टमक के अंदर स्पाजम्स हो रहे हैं तो भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए एंड इट इज़ टेकन बाय माउथ और बाय इंजेक्शन इनटू ए मसल्स कि इंजेक्शन होगा तो वो मसल्स में दिया जाएगा और जो टैबलेट्स वगैरह हो गए कैप्सूल्स वगैरह हो गए तो वो पर्सन जो है वो ओरली ले सकते हैं उसके सस्पेंजन सिरप वगैरह भी अवेलेबल होते कि जो आप डायरेक्टली ओरली ले सकेंगे तो डाईसाइक्लोमिन इज एन ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीकॉल इनर्जिक एंड एंटी स्पाजमोडिक एंड इट रिलीव द मसल स्पाज़म मसल्स के जो स्पाज़म्स होते हैं उनको रिलीव करता है प्रिवेंट करता है और वो काफ़ी हद तक कम कर देता है इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ सर्टन नेचुरल केमिकल्स और नेचुरल सब्सटेंस इन द बॉडी कि जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कुछ नेचुरल सब्सटेंस रिलीज होते हैं उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा जिसके कारण धीरे धीरे ये जो मसल स्पाजम की जो प्रोसेस एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है और जिसके कारण आपका ये जो पेन है वो रिलीव हो जाता है तो इस तरह से ये मेडिसिन अपना काम करती है एंड वर्क बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द स्टमक एंड गट मसल्स को क्या करती है रिलैक्स करती है ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जब स्पाजम्स आते तो उस वक्त मसल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन के कंडीशन में आ जाते हैं तो वो मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है और ये रिलैक्स करने का काम करेगा ये मेडिकेशन डायसाइक्लोमिन तो ये मेडिकेशन लेने के बाद क्या होगा कि समझो कि आपको स्टमक के रीजन में पेन हो रहा है मतलब कि वहाँ के जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में आ चुके हैं और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वहाँ पे वो मसल्स के अंदर स्पाज़म की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है आपको वहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं ऐसा होता है कंटिन्यूसली पेन होता रहता है और उसको रिलीव करने के लिए जब हम ये मेडिकेशन देते हैं तो वही मसल्स को ये रिलैक्स कर देगा और रिलैक्स होने के बाद ये जो स्पाज़म है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और बैक टू नॉर्मल कंडीशन जो है वो हो जाती है पर्सन की तो उसकी वर्किंग हम समझें तो डाईसाइक्लोमिन इज़ ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरीवेटिव उसकी हम केमिस्ट्री समझें तो यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की जो सॉल्ट फॉर्म हम कहते हैं ये मेडिकेशन का तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एंड सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक विथ एंटी स्पाजमोडिक एक्टिविटी के एंटीकोलिनर्जिक क्लास का ये मेडिकेशन कहा जाता है फार्माकोलॉजी के अंदर और उसके पास जो एक्टिविटी कहते हैं तो वो है एंटी स्पाजमोडिक एक्टिविटी डायसाइक्लोमिन ब्लॉक द एसिटाइल कोलाइन तो अभी हमने जो बात की थी कि, कि कुछ नेचुरल केमिकल्स को जो है वो इनहिबिट करता है तो ये है एसिटाइल कोलाइन कि एसिडाइल कोलाइन की एक्टिविटी को जो है वो ब्लॉक करता है कि जो मस्कर एनिक रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं ऑन स्मूथ मसल्स अब क्या होता है कि जो कोलाइन समझो कि रिलीज होता है और बाइंड होता है मस्कर एनिक से तो वो रिस्पॉन्सिबल बनता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण आपको जो है वो वहाँ पे स्पाज़म होता है पेन होता है बट ये मेडिकेशन क्या करेगी ये कोलाइन जो है उसकी एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर देगी जिसके कारण मस्कर रिसेप्टर से ये जो है वो बाइंड नहीं होगा जिसके कारण ये जो स्मूथ मसल्स से वो रिलैक्स रहते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में की कंडीशन में जो मसल्स आ गए थे वो फिर से वापस रिलैक्स हो जाएंगे और स्पाज़म जो है वो कम हो जाएगा सो दे रिलीव द पेन ऑफ स्टमक पेन और पेन ऑफ स्टमक पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड ऑल्सो इन ए आई तो जो अलग अलग मेडिकल कंडीशन से कि आपको स्टमक के अंदर पेन हो रहा है स्टमक के अंदर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं सेम लाइक दैट पीरियड्स के दौरान जो पीरियड्स uh, के दो या तीन दिन पहले या फिर पीरियड्स के दौरान भी इसी तरह की कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि एब्डोमिनल पेन होता है क्रैम्प आते हैं लेग पेन वगैरह होता है तो उसमें ये डाइक्लोसपास जो टैबलेट आते हैं कि जिसके अंदर ये कंपोजिशन रहता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है वो साबित होते हैं तो डायसाइक्लोमिन जो है वो जो कोले की पेन जो हम कहते हैं कि जो कोले की पेन इंटेस्टाइनल पेन स्टमक पेन या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड जितने भी स्पाजम होते हैं कि जब उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन से उसकी कंडीशन करवाता है मसल्स का रिलैक्सेशन तो मसल्स रिलैक्स हो जाने से ये जो कोले की पेन है पर्सनस का वो कम हो जाता है और उसी के कारण आप उसको यूज़ कर सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के अंदर और जो इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम जो हम कहते हैं कि आईबीडी की जो हम बात करते हैं आईबीएस की बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं क्रोन्स डिसीज की बात करते हैं कि जो इंटेस्टाइन रिलेटेड अलग अलग डिसीज है कि वहाँ पे मेन जो है वो सूजन होती है वहाँ पे इन्फ्लैमेशन होता है पेन वगैरह होता है तो उसको कम करने के लिए आप ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करेंगे फिर बात आती है डिसमेनोरिया की कंडीशन कि जो मेडिकल टर्म है डिसमेनोरिया जिसका मतलब होता है कि पेनफुल पीरियड्स कि लेडीज़ के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम रहता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कि जिनके मैंस्टोरियल साइकिल के दौरान ये एक कंडीशन फॉर्म होती है कि पीरियड्स के दो या तीन दिन पहले और ड्यूरिंग द पीरियड्स काफ़ी इस तरह से ये जो पेन होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं पेनफुल पीरियड्स रहता है कि जितने दिन तक पीरियड्स रहते हैं काफ़ी पेन होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इवन लेग पेन्स की भी कंडीशन होते हैं और कई बार जो है वो सर दर्द जैसे भी कंडीशन जो है वो फॉर्म होती है तो कॉमनली ये कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ पेनफुल पीरियड्स तो ये कॉम्बिनेशन की जो साइक्लोपाम के जो टैबलेट्स हम कहते हैं कि जिसके अंदर पैरासीटामॉल भी है और डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लॉर तो ये मेडिकेशन जो है वो सबसे इफेक्टिव साबित होती है ये कंडीशन के अंदर लो डोज ऑफ डाईसाइक्लोमिन ड्यूरिंग योर पीरियड्स और राइट बिफोर इट अबाउट वंस अ डे सो इट हेल्पफुल इन रिड्यूस द क्रैम्स कि पीरियड्स के दो या तीन दिन पहले समझो कि जो आपको पेन होता है तो उस दौरान से ही आप दिन में ये एक टैबलेट जो है वो ले सकते हैं कि वंस ए डे कि वन जीरो जीरो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दिन में एक ही टैबलेट जो है वो आपको लेनी रहती है ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ए पीरियड पेनफुल पे पीरियड्स की जिसको मेडिकल टर्म आप खास याद रखो डिसमेनोरिया फिर बात करें उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म के तो डायसाइक्लोमिन के कैप्सुल्स अवेलेबल होते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि मायलान भी उसको डिजाइन करता है वेस्ट वर्ड भी डिज़ाइन करता है तो अलग अलग फार्मा कंपनीज उसके कैप्सूल बनाता है कि जो दस मिलीग्राम के कैप्सल्स अवेलेबल होते हैं फिर डाईसाइक्लोमिन के ट्वेंटी मिलीग्राम के टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है कि ये जो आप टैबलेट्स देख सकते कि जो कुछ ट्वेंटी मिलीग्राम्स के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं ट्वेंटी मिलीग्राम के कैप्सल्स भी होते हैं और यहाँ पे आप देखो तो उसका सस्पेंजन या फिर सॉल्यूशन जो हम कहते हैं तो वो भी मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है कि डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का जो ओरल सॉल्यूशन एज पर द यू एस फार्माकोपिया गाइडलाइंस दस मिलीग्राम पर फाइव एम एल के स्ट्रेंथ में रहेगा और ये सभी रहेंगे आर एक्स ऑनली मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस रहती है ये फिर इसके इंजेक्शंस भी आते हैं कि समझो कि किसी को टैबलेट से जो है वो क्योर नहीं हो रहा है स्पाजम की कंडीशन तो उसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के ये जो आप इंजेक्शन देख सकते हैं कि जो इंट्रामस्क्युलरी दिया जाता है मसल्स के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है एंड इसकी स्ट्रेंथ रहती है ट्वेंटी मिलीग्राम पर टू एम तो इंट्रा इंट्रामस्कुलरी रूट से ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है फिर हम देखें उसका जो सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है कि कॉलीमैक्स सस्पेंशन आप देख सकते हैं फॉर पीडियाट्रिक यूज़ की जब छोटे बच्चों को पेट दर्द वगैरह होता है तो उनको ये आप डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सीमेथी का सस्पेंशन देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 10 मिलीग्राम पर 5 एम एल आर एक्स ओनली मेडिकेशन मतलब कि पीडियाट्रिक डॉक्टर्स के प्रॉपर एडवाइज और उनके सुपरविजन के अकॉर्डिंग टू ही आपको ये यूज़ करना रहता है एंड यूज़ फॉर द किड्स एंड चिल्ड्रन एंड रिलीव द स्पाज़म कि बच्चों के अंदर जब पेट दर्द वगैरह होता है उनको भी समझो कि उस तरह के स्पाज़म आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक रिलेटेड तो ये उसको ट्रीट करता है अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लेक्चर का कि उसके साइड इफेक्ट्स के साइड इफेक्ट्स के बिना सभी लेक्चर्स जो है वो मेडिसिन के अधूरे कहे जाएंगे बिकॉज साइड इफेक्ट्स को जानना जरूरी होता है किसी भी मेडिकेशन की तो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड लेने के बाद आपको ड्राई माउथ की कंडीशन जो है वो फील होगी मतलब कि सलाईवरी सिक्रेशन समझो कि आपके ओरल कैविटी के अंदर कम हो जाएगा जिसके कारण आपका जो माउथ है वो ड्राई रहेगा जिससे आपको फील होता है कि आपका माउथ जो है वो काफ़ी ड्राई है स्टमक जो है वो अपसेट रहेगा कई बार वॉमिटिंग जैसा फील होता है कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है स्टमक पेन होता है कि अगर आप उसको ओवर डोज में यूज़ करते कि अभी जैसे मैंने आपको डोज बताया था कि दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट खानी है वन ज़ीरो ज़ीरो इस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन है बट समझो कि आप इस तरह से ले लेते हैं कि दिन में तीन टैबलेट खा लेते हैं तो जब हायर डोज में लेंगे तो इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले कि सब बेटर है कि दिन में एक ही टैबलेट उसका खाए और वो भी जब आपको स्पाज़म्स जो है वो हो रहे हैं या फिर उसको प्रिवेंट करना है तो भी एक ही टैबलेट इनप रहेगा गैस और ब्लोटिंग जैसा हो सकता है कि जो गैस ट्रबल हम कहते हैं फ्लैटुलेंस की कंडीशन कहते हैं ऐसा आपको हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट भूख कम हो सकती है डिजीनेस जैसा फ़ील हो सकता है टिंगलिंग जैसा फील होता है कुछ लोगों को हेडक जैसा होता है मतलब कि सर दर्द होना ड्रॉसीनेस मतलब कि उबास लेना नींद वगैरह आना वीकनेस हो जाती है मतलब कि फटिक फटिक तब होता है कि जब काफ़ी लंबे समय तक आप उसको यूज़ करो तो उससे आपको फटिक जैसा फील होगा कुछ लोगों को ब्लर विजन्स के भी कंप्लेन देखने को मिलते हैं कि अगर काफ़ी हायर डोज में इसको यूज़ कर ले डबल विजन का प्रॉब्लम होता है हाई डोज में यूज करने से एंड डिफिकल्टी इन रूरिनेटिंग तो इस तरह से ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया फ्लैटुलंस नोजिया हैड एक बैक कई बार बैक पेन भी कुछ लोगों को होता है लॉस ऑफ एपेटाइट तो ये सब साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं अब समझ लो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी को मेडिसिन सूट ना हो फिर भी हम गलती से ले लेते हैं बिकॉज हमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं पता होता तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सभी मेडिकेशंस के जानना जरूरी है बिकॉज कौन सी कंडीशन में उसको यूज़ ना करें कि डाएसाइक्लोमिन को कौन लोग यूज़ नहीं करेंगे तो सबसे पहले मायस्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट होते हैं कि जो एक स्केलेटल मसल्स रिलेटेड डिसऑर्डर है तो मसल्स रिलेटेड आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिसऑर्डर है तो ये मेडिकेशन को आप ना खाएं सेकंड हम देखें तो ओवर एक्टिव थारॉयड ग्लैंड मतलब कि आपको थाइरॉयड क्ला प्रॉब्लम है तो थायरॉयड के प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी डायसाइक्लोमिन को यूज़ ना करें तीसरा कि जो मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट हैं उनको भी ये मेडिकेशंस आप ना दें फिर चौथा देखें तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा ग्लूकोमा के पेशेंट भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट है कि जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है ब्लड प्रेशर तो डायसाइक्लोमिन को यूज़ ना करें कोरोनरी आर्टरी है आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है क्रोनिक लंग है आपको एंड चेंज इन सलाइवा व सिक्रेशन कि सलाइवा व सिक्रेशन ऑलरेडी आपका कम है या फिर वो चेंज होता रहता है तो भी आपको ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ नहीं कर रही तो ये ख़ास आपको समझना चाहिए किसी भी लेक्चर्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिकॉज यूज़ तो आपको समझो कि पता चल जाएंगे बट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानना जरूरी है कि अगर आपको पेन हो रहा है समझो बट इनमें से कोई कंडीशन आपके बॉडी के अंदर है कि आपको समझो कि स्केलेटल मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है लंग डिसीज है आपको तो आप समझो कि ये मेडिकेशन खा लेंगे तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं तो जरूरी है कि यह सभी कंडीशन वाले लोग डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड को कम्प्लीटली एवॉइड करें अब जानते हैं उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस तो डायसाइक्लोमिन में अफेक्ट द एब्सॉब्सन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स कि आपने डायसाइक्लोमिन मेडिसिन खाई है और साथ में दूसरे मेडिकेशन भी ले रहे हैं जैसे कि आपने लिवोडोपा ले रहे हैं आप तो लिवोडोपा और डायसाइक्लोबिन के बीच में ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो हो सकती है और जिसके कारण लीवोडोपा का जो एब्जॉर्बसन है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब कि लीवोडोपा की जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगी दूसरा हम देखें तो जो एंटी फंगल ड्रग्स है जैसे कि कीटोकोनाजोल है इटराकोनाजोल है उसका भी एब्जॉर्बसन उनकी इफेक्ट जो है वो कम करवा देगी आपकी ये मेडिकेशन डायसाइक्लोबिन उसी तरह से स्लो डिजोल्विंग फॉर्म ऑफ डिजोक्सिंग अमोंग अधर्स डिजोक्सिन पर भी असर करेगा एंड अगर समझो कि आप फंगल डिसीज आपको है कीटोकोनाजल ले रहे हैं या फिर इट्राकोनाजॉल तो टेक एटलीस्ट टू आवर्स बिफोर द डायसाइक्लोमिन कि डायसाइक्लोमिन समझो कि आपको बारह बजे लेनी है दिन में तो कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल उसके दो घंटे पहले मतलब कि एटलीस्ट जो है आप दस बजे ले लीजिए या फिर उससे भी थोड़ा जल्दी नौ बजे के आसपास ले लीजिए कि जिससे ये दो मेडिकेशंस के बीच में कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो आगे समझते उसकी फार्माकोलॉजी तो सबसे पहले एब्जॉर्ब्सन रिलेटेड कि ये मेडिकेशन के एब्जॉर्ब्सन किस तरह से होता है तो उसकी जो बायोबिलिटी पीओ मतलब कि उसकी जो ओरल बायोबिलिटी जो हम कहते हैं एंड तो वो रहेगा 67% परसेंट ऑफ़ इंट्रामस्क्यूलर कि मस्कुलर के कंपेयर में ओरल बायबिलिटी रहती है 67% जितनी ऑनसेट ऑफ एक्शन रहेगा एक से दो घंटे के अंदर मतलब कि जब भी ये मेडिकेशन कोई पर्सन यूज करेगा तो उसकी एक्शन मिलेगी उसको एक वन आवर से लेकर दो ओवर के बीच में तो एटलीस्ट एक घंटे से दो घंटे के बीच में आपको उसकी एक्शन मिल जाएगी ड्यूरेशन जो है वो चार आवर्स से या फिर उससे भी कम रहेगा एब्सॉर्बसन का एंड पीक प्लाज्मा टाइम औरल ही रहेगा 60 से 90 मिनट तक कि जब उसकी मैक्सिमम इफेक्ट आपको प्रॉपर मिलती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो 3.65 लीटर पर किलोग्राम जो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपकी बॉडी के अंदर तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर अबाउट द डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को हमारे टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर्स को फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट